नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। सूबे में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तर्ज पर लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भी गड़बड़ी के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। इसे लेकर पुलिस महानिदेशक सहित कुछ मीडिया हाउस को भी एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें HPBSC कर्मचारियों पर कथित तौर पर पेपर लीक करने के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, जांच का विषय है। इससे पहले पुलिस शिकायत लिखने वाले गौरव चौहान, रणेश और दीप्ति नेगी नाम से व्यक्तियों की पहचान में जुड़ गई है, क्योंकि शिकायतकर्ताओं ने अपना पता नहीं लिखा। इन तीन व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नाम पत्र लिखा है। शिकायतकर्ताओं ने लोक सेवा आयोग में बड़े फर्जीवाड़े की ओर इशारा किया है और आयोग के कर्मचारियों पर ही बच्चों और रिश्तेदारों तक पेपर पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस पत्र में कुछ कर्मचारियों व उनके बच्चों के नामों तक का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न पदों पर आसीन कर्मचारियों के बच्चे 10वीं और 12वीं में कम अंक लेने के बावजूद बार बार आयोग के एंट्रेंस टेस्ट में पास हुए। एक्टिंग DGP सत्वर नटवाल ने बताया कि कुछ दिन पहले पुलिस को भी एक शिकायत पत्र मिला है। इसमें HPBSC में भर्तियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस इस पर नज़र बनाए हुए है, लेकिन HPBSC इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसलिए नियमों की परिधि में रहकर ही कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।